हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समसेरी ब्यूटी हब। मैं हूं दरक्षा। आज मैं शेयर कर रही हूं एक हेयर क्रीम का रिव्यू, और ये देख सकते हैं ये है प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट दिखा रही हूं मैं। एम कैफीन का है ये, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूं, इससे पहले मैं यूज नहीं की हूं, बट ये मुझे अच्छा लगा इसको अप्लाई कर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में शेयर करती हूं, फुल डेमो इसका आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का है ये, ब्रांड नेम है एम कैफीन। एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी हेयर क्रीम, कॉफ़ी विद कोकोनट मिल्क डैमेज रिपेयर। यहाँ पे इसका बैक में दिया हुआ है, ये मैन्युफैक्चर डेट है इसका 1/2022 का है, 2022 का है, अभी अभी का ही है, जनवरी का पैकिंग है। ये एक्सपायर करेगा 12/2023 में, तो ये 2023 में एक्सपायर करेगा। एमआरपी है इसकी 399 है। ये नेट क्वांटिटी आपको मिलता है 50 ml, इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाता है 50 ml, तो कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट दिखता है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर का पैकिंग ये है ये, तो ये यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल इसका मेंशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, काफ़ी लंबा इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया है इसका। एक्वा वाटर, सनफ्लावर सीड ऑयल, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, नट सीड ऑयल, नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही लॉन्ग है, इसका मैं फुल इंग्रेडिएंट आपको मेंशन कर दूंगी। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट दिखता है मेन, ये देख सकते हैं ये है मेन प्रोडक्ट है ये, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है ये। इसके ऊपर भी सारा लिस्ट दिया हुआ है, आपको पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है, यूज़ करने का डायरेक्शन दिया है, इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है, सारा कुछ इसका मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एमआरपी मेंशन किया हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग अच्छा है इसका, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पैकिंग है, बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली है, बिल्कुल भी इसमें से आपको प्रोडक्ट लीक नहीं करता है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, क्लिक शॉट में ये ओपन होता है, आप इसको इस तरीके से भी ओपन कर निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप का इसमें होल बना हुआ है ये। तो ये क्रीम टेक्सचर है इसका, टेक्सचर आपको दिखाती हूँ किस टाइप से है ये, हल्का सा टेक्सचर ना क्रीमी है ये, हल्का सा आपको लेना है, इस तरीके का ये दिखता है बिल्कुल। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये दिखता है, बिल्कुल क्रीम की तरह है, इसको इस तरीके का है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉफ़ी आप लेकर अप्लाई कर रहे हो, इस टाइप का इसमें से फ्रेग्रेंस आता है, बिल्कुल भी इरिटेट करने वाला नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो चलिए मैं आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ हेयर पर कैसे यूज करना है। यूज करना बहुत ही आसान है, आपको टॉवल ड्राई हेयर पे ही इसको अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं आप मेरा हेयर, बिल्कुल भी पानी मेरे हेयर से नहीं निकल रहा है। इस ऐप से ही आपको थोड़ा सा क्रीम लेकर अप्लाई कर लेना है। तो ये क्रीम का टेक्सचर ना बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी फील नहीं होता है अप्लाई करने में। तो थोड़ा सा क्रीम लीजिए, आप हैंड में रफ कीजिए, फिर उसको आप पूरे लेंथ में मसाज करेंगे, स्कैल्प पर नहीं लगाना है आपको, बस सिर्फ लेंथ पर आपको अप्लाई करना है। तो हेयर पर अच्छे से लगा लीजिए, इसकी क्वान्टिटी ना थोड़ा कम ही यूज कीजिएगा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग तो आपका हेयर थोड़ा सा चिपचिपा सा फील होने लगेगा, चिपक जाएगा, बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होगा, इसलिए हेयर के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लीजिएगा, थोड़ा सा में ही हो जाता है ये अच्छे से। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और मैं अभी और भी एम कैफीन का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, मेरे हेयर पे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मुझे हेयर फॉल की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि मैं हेयर फॉल की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, हेयर फॉल मुझे होता ही रहता था, अभी मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है मेरे हेयर पे, बहुत ही अच्छा वर्क किया है एम कैफीन का प्रोडक्ट। पूरे हेयर पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ, अब देख सकते हो मैं अब आपको ड्राई होने के बाद मिलती हूँ, तो मैं इसको नेचुरली ड्राई होने दूंगी, बिल्कुल ड्रायर यूज नहीं करूँगी।
आप देख सकते हैं अभी मेरा हेयर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद आप देखिए कितना फ्रेश फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल भी डैमेज हेयर नहीं दिखता है। मेरा हेयर थोड़ा ड्राई फिजी सा रहता है, तो ये देखिए बिल्कुल भी फिजीनेस नहीं है हेयर पे। बस यही है कि आप थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम यूज कीजिएगा, अगर आप हेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा भी ज़्यादा यूज कर जाते हैं तो आपका हेयर चिपक जाएगा, चिपकू सा लगने लगेगा देखने में। मुझे इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रिजल्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हो मेरा हेयर मुझे ना अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको अप्लाई करके, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट का। आप इसे यूज करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल नेचुरल है, कोई हार्मफुल। फ्रेंड्स यही है मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।